Sponsored by Sankalp Classes Near Chowk Mandi, giving number of selections in medical and engineering entrance exams from last 7 years. मंडी शहर में 2017 के बाद 2022 में अब नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की वृद्धि की है। यह वृद्धि वीरवार को नगर निगम की बैठक में मौजूद पार्षदों की सहमति से की गई। इसी के साथ मंडी शहर के 4 जोन में से डी जोन में टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है और न ही निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए नगर निगम मंडी के मेयर दीपाली जसवाल ने बताया कि कई वर्षों बाद मंडी शहर के प्रॉपर्टी टैक्स के स्लैब में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मात्र 5% की टैक्स में वृद्धि की गई है, जो कि आने वाले समय में निगम के बढ़ते हुए खर्चों और विकास के लिए अधिक ग्रांट लेने के लिए आवश्यक है। हमने जो है ज्यादा इसमें कोई तब्दीली नहीं करी, जो हमारे 2017 में जो ड्राफ्ट था एज इट इज ही हमने वो ड्राफ्ट जो है वो लिया है, और सिर्फ इसमें जो है हमने 5% की बढ़ोतरी, ABC जोन है उसमें हमने 5% की बढ़ोतरी करी है, और जो डी जोन है उसमें हमने कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। और बाकी जो मर्ज्ड एरिया है, स्पेशली मैं ये खास करके बोलना चाहती हूँ, जो मर्ज्ड एरिया है हमने, हालांकि जो प्रॉपर्टी टैक्स है होल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया का बनाया है, पर मर्ज्ड एरिया से हम कोई भी टैक्स नहीं ले रहे हैं। 2021 में जो हमारा खर्चा था वो था 70 लाख रुपये। अब आज के डेट में हमारे पास जो एम्प्लॉई भी आ गए हैं, काफ़ी एम्प्लॉयज आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं, कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इसके अलावा JA हैं, STO हैं, और JOIT ड्राफ्ट्समैन, इस तरह जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्लर्क्स हैं हमारे वो आए हैं नए, तो उनका जो सैलरी है वो हमारे उससे जाएगा। ऊपर से कूड़े सफाई कर्मी है, उस वो खर्चा भी हम खुद वहन करते हैं, तो उस खर्चे को करने के लिए हमें उस जो अपने ओन रिसोर्सेज हैं उस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए हमें थोड़े बहुत जो हमने आंशिक जो बढ़ोतरी करी है वो इसलिए करी है ताकि हम कॉरपोरेशन भी ठीक ढंग से चला सकें। 31 मार्च को हमने बोला कि वो हैंडओवर कर दें हमें बिल्डिंग, उसके बाद कुछ टाइम लगेगा उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो हम जून तक शिफ्ट कर जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उद्घाटन के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे। हमने सरकार को लिख के दे दिया है और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी उत्साहित हैं कि काउ सेंचुरी बने, एक्चुअल में उन्हीं का प्रपोजल था वो, और वो जल्दी शुरू हो जाएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।